नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं तन्वी सक्सेना। भोलेनाथ के भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का हमेशा ही इंतजार रहता है और हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। शिव भक्त समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लंबी और कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है, वह कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस साल यह पवित्र यात्रा 1 जुलाई साल 2023 से शुरू हो रही है और अगले 62 दिनों तक चलेगी। 31 अगस्त 2023 को यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो नियम जरूर जान लें। अमरनाथ पवित्र गुफा के पास इस बार रात को किसी भी श्रद्धालु को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। पिछले वर्ष गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भूस्खलन व पत्थर गिरने की दृष्टि से करीब 2.5 किलोमीटर के हिस्से में गुजरने पर यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। जो श्रद्धालु खच्चर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी हेलमेट जरूरी है। आपको बता दें कि हेलमेट श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए यात्रा मार्ग को कई जगहों से जोड़ा गया है और कई हिस्सों में रेलिंग भी लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए 34 माउंटेन रेस्क्यू टीमें भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा कठुआ से पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों में एक साथ 70,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लगभग 3 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं, जो बीते वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा है। अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल और चंदनवाड़ी में 100-100 बिस्तरों के 2 अस्पताल बनाए गए हैं। दोनों अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। प्रशासन ने दोनों अस्पतालों के लिए 13-13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1700 डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो वहीं आपको बता दें, 4000 सफाई कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर में 1 किलोमीटर एरिया में धारा 144 लागू की गई है। यानी पूछताछ के दौरान स्थानीय ग्रामीणों व दूसरे लोगों को आइडेंटिटी बतानी होगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सरकार ने गाइडलाइन में उम्र सीमा तय कर दी गई है। यात्रा के दौरान बच्चे और बुजुर्गों की उम्र की जांच के बाद ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चे अमरनाथ यात्रा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं।